कच्चे केरी का अभी मौसम चल रहा है तो बहुत तरीके से आपने शायद कच्चे केरी या फिर आमिया का चटनी खाए होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे इस रेसिपी को एक बार खा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं निहारिका फिर से हाजिर हुई हूँ एक नया रेसिपी लेके आप लोगों के सामने, जो है खट्टी मीठी तीखी कच्चे आम की चटनी। तो चलिए चलते बनाते हैं एक साथ। मैंने यहाँ पे दो आम लिया है और आम को मैंने अभी मैं छील लूँगी पहले। और कलकत्ते में ये कच्चा आम जो है सारा साल ही मिलता है, लेकिन गर्मियों के मौसम की जो आम का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो मैं पहले इनको छील लेती हूँ अच्छे से। आम मैंने छील लिया है, अभी मैं इनको मीडियम से क्यूब के शेप में कट कर लूँगी। थोड़ा बड़ा बड़ा कट करना है, नहीं तो आम जो है वो गल जाएंगे। तो मैंने इस तरह से आम को कट कर लिया है। आम की जो गुठलियाँ हैं इनको मैं निकाल दे रही हूँ। सभी को पता है कि आम के ये गुठलियों को फेंक देना पड़ता है, लेकिन जो लोग बिगिनिंग में हैं उन लोगों को समझने के लिए, आसानी के लिए मैंने ये बात मेंशन कर दिया है कि गुठलियों को भी फेंक देना है हमें। ऑल राइट, तो अभी मैंने कढ़ाई गरम बिठाया है और उस पर मैंने दिया है 5 फ़ोरन और साथ में मैं दूंगी 1 सूखी लाल मिर्च और इनको मैं ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लूंगी। बस 1 या 2 मिनट में इनको ड्राई रोस्ट करूंगी और इनको मैं कूट लूंगी। तो 5 फ़ोरन मेरा हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दिया है सफ़ेद तिल। तिल को भी मैं ड्राई रोस्ट करके अलग करके रख दूंगी, ज़्यादा नहीं। तिल को भी हम 1 या 2 मिनट ही भूनेंगे और अलग करके रख देंगे। तो ये तिल मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इनको निकाल देती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई पे दिया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी और पानी में उबाल आते ही मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। और सौंफ के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गुड़ और थोड़ा सा गुड़ के बने हुए बताशा। अभी कितना मीठा ऐड करना है वो डिपेंड करता है आम की खटास के ऊपर। अगर आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा ऐड कीजिएगा, अगर कम खट्टा है तो कम मीठा ऐड कीजिएगा, आपके ऊपर है पूरा। और आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ और गुड़ के बने हुए बताशा से ही चीनी मिठास का जो बैलेंस है वो किया है। दे दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से उबाल आ गया है, अभी हम इस पे ऐड कर देंगे कटा हुआ आम। और इस चटनी के रेसिपी में बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आम में ऐड करके दे रही हूँ यहाँ पे और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, इजी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और घर में जो चीज़ अवेलेबल होता है उसी से ही ये बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आम जो है वो नरम हो गया है, आम को हमको गलाना नहीं है, बस नरम करना है, और नहीं तो ज़्यादा मैश हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। ऊपर से जो तिल मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो ऐड कर दिया है। और जो भाजा मसाला मैंने बना के रखा था, यानी 5 फ़ोरन और सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रखा था, वो मैंने ऐड कर दिया है
बस ये डन है, अभी इसको ठंडा करना है। आप रोटी के साथ भी अगर साइड में थोड़ा लेंगे तो अच्छे लगेगा, या फिर खाने के आखिर में थोड़ा सा चटकारा लेके खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बाय बाय। तो अभी मैंने सर्विंग प्लेट पे रख दिया है और अच्छे से ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद खाएंगे। तो इसके साथ मैं लेती हूँ विदा, मिलेंगे एक नया वाला वीडियो के साथ। टिल देन हरे कृष्णा टू ऑल।